बात निकल करके आ रही है यहाँ पर, एक तो FTX आप सभी को पता है वो यहाँ पर अपने माल को यहाँ पर लगातार बेच रहा है। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर चाहते हैं कि BTC को और हाइप क्रिएट की जाए और मार्केट को और ज्यादा यहाँ पर डाउन ले जाया जाए, कहेंगे कि भाई अब यहाँ पर मार्केट खत्म हो जाएगा। ये सारे के सारे नाम वो है कि जो कि इंडियन एक्सचेंजेस को यहाँ पर ओन करते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट को वो बता सकते हैं कि यहाँ पर भाई इस मार्केट में बहुत कुछ है। और दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आने वाले बजट सत्र में जो बजट का सेशन आने वाला है कि यहाँ पर क्रिप्टो को लेकर के TDS को लेकर के क्या आने वाले समय में गवर्नमेंट यहाँ पर रियायत दे सकती है, तो सारी की सारी कंप्लीट डिस्कस रहेगी। साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई यहाँ पर टोटल यहाँ पर अगर हम मार्केट की बात करें तो यहाँ पर पूरी की पूरी मार्केट भाई यहाँ पर रेड हो रखी है, यानी ब्लड बाथ यहाँ पर हो रखा है। आने वाले समय में क्रिप्टो में और क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है, ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले वीडियो का दोस्तों यहाँ पर टारगेट है हमारा कि यहाँ पर आपको 200 लाइक कम से कम हमारे वीडियो को देनी है, क्योंकि आपकी इस लाइक से हमें पता लगता रहता है कि हमारी वीडियोज लगातार आप तक पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं। तो भाई 200 लाइक कम से कम यहाँ पर आपको, ये टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है हमें पता है कि कम से कम यहाँ पर आपको 1 सेकंड लगेगा लाइक बटन आप दबा दीजिए। ट्विटर और टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर पल पल की अपडेट यहाँ पर मार्केट में मिलती रहती है। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि भाई पहले तो यहाँ पर मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं वो यहाँ पर अभी फिलहाल के समय को देखते हुए सही नहीं है। अब दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट भाई पूरी यहाँ पर रेड हो रखी है। बिटकॉइन ले लीजिए, इथेरियम, BNB, सोलाना, XRP, ADA, डोज, आप पूरी की पूरी यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट पर अगर हम नजर मारेंगे तो भाई यहाँ पर आपको सारी की सारी मार्केट यहाँ पर रेड दिखाई देगी। रीजन दोस्तों मैंने आप सभी को पहले भी बता रखा है और फिर दोबारा से बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर जो बात निकल करके आ रही है यहाँ पर, एक तो FTX आप सभी को पता है वो यहाँ पर अपने माल को यहाँ पर लगातार बेच रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ग्रे स्केल जो कि यहाँ पर मार्केट में लगातार दोस्तों यहाँ पर अपनी जो बिटकॉइन की होल्डिंग्स हैं उन्हें यहाँ पर मार्केट में भाई बेचता चला जा रहा है। ये फिलहाल के समय की जो दो मेजर आप इन्हें इंस्टीट्यूशन कह लीजिए, ग्रे स्केल और FTX, आप सभी को पता होगा पहले यहाँ पर टेरा लूना यहाँ पर जो क्रैश, यहाँ पर FTX एक्सचेंज क्रैश हो चुका है, तो भाई वो यहाँ पर लगातार है। साथ ही साथ दोस्तों FTX के पास में सोलाना भी भरपूर मात्रा में है और उनकी होल्डिंग्स दोस्तों वो बेचने की तैयारी में है, तो यहाँ पर सोलाना में भी काफ़ी अच्छा डंप आपको देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी मार्केट में ये न्यूज़ स्प्रेड हो चुकी है कि भाई FTX के पास में सोलाना नेक्स्ट टारगेट है कि उन्हें वो अपनी झोली से भाई बेचेगा ज़रूर, क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर रिफंड भी करना है, साथ साथ उस पर जो जुर्माना लगा है वो सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पर मार्केट में चल रही है। अब सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर बिटकॉइन में जो काफ़ी मेजर यहाँ पर डंप देखने को मिला है, तो फिलहाल के समय को देखते हुए और आने वाले समय में क्या हो सकता है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो दोस्तों फिलहाल के समय पर बिटकॉइन यहां पर लगभग 39,500 डॉलर के आसपास में BTC चल रहा है। बिटकॉइन का दोस्तों यहां पर ये जो जोन यहां पर आप सभी को दिख रहा है ना, ये जो जोन मैं आप सभी को देखे दिखा देता हूं, 38,000 दोस्तों एक बहुत एक ऐसा जोन रहेगा यहाँ पर पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए कि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर चाहते हैं कि BTC को और हाइप क्रिएट की जाए और मार्केट को और ज़्यादा यहाँ पर डाउन ले जाया जाए, क्योंकि जितना डाउन यहाँ पर मार्केट जाएगा उतनी ही ज़्यादा वो अपनी झोली में फिर बिटकॉइन को और जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं उन्हें वहाँ पर सस्ते में वो खरीद सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट को जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो लगातार उनका टारगेट यही है कि BTC को यहाँ इस प्राइस रेंज से भी नीचे ले जाया जाए, क्योंकि मार्केट में फियर और जो ग्रीड का इंडेक्स है वो आप सभी को पता है ऑलरेडी काफ़ी मायने रखता है और जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर यही चाहते हैं कि भाई यहाँ पर बिटकॉइन और फियर जो ग्रीड इंडेक्स है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर लोगों को उतावलेपन में ले जाया जाए, ताकि वो डर के मारे अपना जो बिटकॉइन में होल्डिंग्स हैं या फिर क्रिप्टो में ऑल्ट कॉइन में होल्डिंग्स हैं वो यहाँ पर, चाहे इथेरियम में होल्डिंग है, वो भाई माल बेच दे। और ये आने वाले 1 से 2 हफ्ते तक और यहाँ पर जारी रह सकता है, क्योंकि जितना यहाँ पर आपको डर लगेगा मार्केट में, जितना आप ये सोचेंगे कि भाई अब यहाँ पर मार्केट ख़त्म हो जाएगा, अब बिटकॉइन 35,000 के जो अपना सपोर्ट लेवल उसे भी तोड़ देगा, अब 28,000 पे चला जाएगा, 27,000 पे चला जाएगा, और जितने भी वेल्स हैं जो इंस्टीट्यूशन है वो यही चाहते हैं कि यहाँ पर मार्केट में आप पैनिक सिचुएशन में आए, मार्केट में लगातार नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आए, और जितनी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में होंगी उतना ही ज़्यादा काम उनका यहाँ पर ईजी हो जाएगा। फिलहाल के समय पर फियर एंड ग्रीन इंडेक्स आप सभी को पता है कि 50 यहाँ पर चल रहा है, और अभी फिलहाल के समय पर JP Morgan जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनके जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि भाई आने वाले समय में और बहुत बड़ा मेजर डंप यहाँ पर बिटकॉइन मार्केट में देखने को मिल सकता है, और लगातार यहाँ पर मार्केट में वो अपना ग्रे स्केल अपना माल बेचता चला जा रहा है। हालांकि अच्छी बात ये है कि यहाँ पर ग्रे स्केल FTX ये तो बेच ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मार्केट में खरीद भी रहे हैं,
खरीद कौन रहा है, जैसे ब्लैक रॉक जैसा इंस्टीट्यूशन जो कि यहाँ पर लगातार अपनी बाइंग, अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पर बढ़ाता चला जा रहा है। ऑलरेडी हमने ब्लैक रॉक के रिगार्डिंग की कितना उसका पोर्टफोलियो हो चुका है ट्विटर पर, वो ऑलरेडी पोस्ट की हुई है। तो भाई ट्विटर आप मेक श्योर कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपने अगर फॉलो नहीं किया। पल पल की खबरें, पल पल की अपडेट, जिस पर वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है, वो अपडेट मैं वहाँ पर आपको ट्विटर पर देता रहता हूँ। और मोस्टली लोगों को जो फिलहाल के समय पर पसंद भी वो चीज़ आते हैं, क्योंकि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ भी रहे हैं। अभी फिलहाल के समय पर ब्लैक रॉक भाई लगातार अपनी बाइंग पोजीशन बढ़ाता चला जा रहा है। डेली अभी हफ्ता 10 दिन ही यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ETF को ओपन हुए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लैक रॉक के पास में अच्छी खासी संख्या में BTC आ चुके हैं। अब फिलहाल दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर टोकन अनलॉक्स, यानी कि आने वाले जो अगला हफ्ता है यहाँ पर कि जो क्रिप्टो मार्केट में कि कौन कौन से जो बड़े टोकन्स हैं, जैसे कि OP, YGG और DYDX, ये तीन यहाँ पर जो टोकन है उनकी यहाँ पर अनलॉकिंग होने जा रही है। और यहाँ पर $65 मिलियन के यहाँ पर OP होगा अनलॉक, साथ साथ DYDX ऑलरेडी मेरी बाइंग लिस्ट में भी है, और शायद आपने अगर वो कम प्राइस रेंज में अगर बाय किया होगा तो भाई आपके पास में वो ज़रूर होगा। $5.6 मिलियन के दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर DYDX भी हैं, साथ साथ YGG है, ये $7.4 मिलियन के हैं। तो इतने इतने परसेंटेज सभी कुछ यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर ये बड़े टोकन हैं जो कि यहाँ पर अपनी अनलॉकिंग मार्केट में करने जा रहे हैं। अब फिलहाल दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि भाई ये तो बातें सही हैं और आने वाले जो बजट सेशन है कि यहाँ पर मार्केट में क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, ये मैंने यहाँ पर ओपन की हुई है कि भाई यहाँ पर व्हाट क्रिप्टो इंडस्ट्री इज गोइंग, कि आने वाले समय में यहाँ पर बजट सेशन में ये विश लिस्ट में ये जो नाम है फिलहाल के समय पर आए हैं। फिलहाल के समय पर आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर ऑलरेडी थोड़ा सा RBI गवर्नर के डेली कुछ ना कुछ यहाँ पर बयानबाजी आ रही हैं और वो अपने ओपिनियन बता रहे हैं, उनमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को चलाना साथ ही साथ उस देश की करेंसी को भी स्टेबल रखना वो ही यहाँ पर RBI गवर्नर का काम होता है। और वो सारी सारी चीज़ों को लेकर, क्रिप्टो को लेकर के भी वो अपना जो ओपिनियन है वो यहाँ पर रख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फिलहाल के समय पर जितने भी यहाँ पर, अब ये देख सकते हैं आप, ये वजीरेक्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं राजा गोपाल मेनन, तो भाई उनका सीधा सीधा सा ये कहना है कि 1% जो TDS है वो क्रिप्टो मार्केट में बहुत बुरा है, यानी कि वहाँ पर इस मार्केट में भाई एक जहर का वो काम कर रहा है। तो इतना ज़्यादा TDS यहाँ पर गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, तो उसके बारे में हो सकता है कि यहाँ पर, क्योंकि ये विश लिस्ट में है, CoinDCX के को फाउंडर है सुमित गुप्ता, वो भी हैं इस लिस्ट में, साथ ही साथ यहाँ पर ईद उल पटेल है, मुद्रेक्स के CEO हैं ईद उल पटेल, वो भी हैं, आशीष सिंघल है को फाउंडर और ग्रुप हैं CEO यहाँ पर पेपल उसके, साथ साथ दोस्तों जेपे के हैं राहुल, और मतलब जितने भी आप नाम यहाँ पर ले लीजिए, बाइकॉइन को फाउंडर शारडियम निश्चल सेट्टी, तो ये सारे के सारे नाम वो है कि जो कि इंडियन एक्सचेंजेस को यहाँ पर ओन करते हैं, साथ साथ गवर्नमेंट को वो बता सकते हैं कि यहाँ पर भाई इस मार्केट में बहुत कुछ है और आने वाले समय में यहाँ पर ये मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, आने वाला ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसका युग होगा। और यहाँ पर इंडिया में जो लोग हैं वो 10 से 11 करोड़ लोग यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं, और बाइनेंस 1 से 1.5 करोड़ का यूज़र बेस था, अब वो सारा वॉल्यूम इंडियन एक्सचेंजेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पर अब इनका ये काम है कि बजट सत्र में शायद गवर्नमेंट इनसे कुछ राय मशवरा ले और ये फिर अपना यहाँ पर दे सकते हैं कि भाई यहाँ पर 1% TDS और 30% टैक्स में जो बातें यहाँ पर अभी फिलहाल के समय तक चल रही हैं, तो गवर्नमेंट उस पर थोड़ा सा अपना जो पॉजिटिव मूवमेंट है यानी पॉजिटिव रुख वहाँ पर अपनाए, और आने वाले बजट में शायद हमें क्रिप्टो को लेकर के भी कुछ ना कुछ वहाँ पर बातें जरूर सुनने को, देखने को मिले। अभी गवर्नमेंट के ऊपर है कि इनकी बातों को वहाँ पर कितना वो अप्लाई करती है और कितना पॉजिटिव लेती है और कितनी बातें शायद ये यहाँ पर, क्योंकि ये विश लिस्ट में है तो इनकी बातें यहाँ पर सुनी जरूर जाएगी, और क्योंकि अपनी बातें वहां पर बताएंगे तो हमारा यही बस सीधा सीधा सा मोटिव है कि जो भी हो आने वाले समय में, क्योंकि यहां पर बजट सेशन आप सभी को पता है कि बजट सत्र यहां पर जो आने वाला बजट है हमारा वो यहां पर आएगा और यहां पर क्रिप्टो को लेकर के बहुत लोग एक्साइटमेंट है। तो ये बातें फिलहाल के समय पर ऑलरेडी यहां पर मार्केट में आ चुकी हैं, और मार्केट में आने के बाद में जितने भी को फाउंडर्स हैं, जितने भी यहां पर, चाहे जेपे ले लीजिए, चाहे मुद्रेक्स ले लीजिए या फिर CoinDCX ले लीजिए, वजीरेक्स ले लीजिए, तो ये लीडिंग एक्सचेंज है, ये आने वाले समय में अपनी आवाज जरूर उठाएंगे, गवर्नमेंट को ये राय मशवरा भी जरूर देंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, आप हमने आपको टारगेट भाई ज्यादा नहीं है उतना, तो आप यहां पर जो लाइक्स है वो यहां पर कर ही सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट अपडेट्स के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।